भारत माता, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसता है, एक ऐसी माँ जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत माता को समर्पित एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ मूर्ति की जगह अखंड भारत के नक्शे को पूजा जाता है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं वाराणसी के उस अनोखे मंदिर में जहां भारत माता की आत्मा बसती है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का एक केंद्र भी है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निकट स्थित है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने स्वयं इस मंदिर का उद्घाटन किया था। यह मंदिर विद्यापीठ के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वे यहाँ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। वहीं यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है बल्कि भारत की आज़ादी के संघर्ष का एक उदाहरण भी है। इसका निर्माण राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था और इसका लोकार्पण महात्मा गांधी के हाथों हुआ था। इस मंदिर में स्थापित नक्शे में अखंड भारत का चित्रण किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, लंका, मालदीव जैसे क्षेत्र भी शामिल है। ये नक्शा भारत के एकीकरण का सपना देखने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। वहीं यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। वहीं आने वाले समय में भी यह मंदिर देश के युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। वाराणसी का भारत माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि यह भारतीयता का प्रतीक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक हैं और हमें एकजुट रहना है। आइए हम सब मिलकर भारत माता की सेवा करें और देश को एक महान राष्ट्र बनाएं। आज हम लोग भारत माता के मंदिर में आए हैं और हम लोग जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में कि ये मंदिर का प्राचीन काल में क्या इतिहास रहा और ये मंदिर को क्यों और किसने बनवाया और इसकी स्थापना किसने की। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आज हम यहाँ पे हमारे राजू भैया जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं उनसे बात करेंगे। आइए। नमस्ते। जैसा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं किसी न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलता है, लेकिन काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र भारत माता का मंदिर है। अब आइए आप लोग अंदर से देखते हैं। लोग तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये अपने अखंड भारत का मानचित्र है, भारत माता का मंदिर। इस मंदिर की स्थापना ये बीच में तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये 1913 में जो है कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में चल रहा था। ये कराची गए हुए थे, कराची से लौटते समय मुंबई, मुंबई से पुणे गए थे। पुणे में सिर्फ ढूंढो करवे विधवा आश्रम है, उस आश्रम में ऐसा ही मानचित्र मिट्टी का बना था। हाँ तो मिट्टी कहीं किंतु वहाँ पे भी पहाड़ी नदियाँ, पहाड़, पठार सब कुछ दर्शाया गया था। तो बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के मन में इच्छा की कि कैसा काशी में बनाया जाए। तो वहाँ से लौटने के कुछ दिनों बाद इनको लंदन जाना होगा। तो लंदन गए तो एक म्यूजियम में देखा कि बहुत से छोटे बड़े पत्थर कटे हुए रखे हुए थे। तो जो इनकी इच्छा शक्ति थी और दृढ़ मजबूत हुई और वहाँ से लौटने के बाद अपने मित्रों सहयोगियों से विचार विमर्श किया तो हुआ कि मकराना मार्बल सुंदर और टिकाऊ होगा। ये जो बना है पुराना पूरा मकराना मार्बल का बना है। जैसा कि अभी हम लोग उधर चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा एक पत्थर है, उसी के आकार का इसमें 762 पत्थर मकराना मार्बल लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है स्केल बाय स्केल मैपिंग की गई है। एक इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई है, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये नंबरिंग लिखा गया है 1000, 5000, 10000, 12000 ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1000, 5000, 10000, 12000 ये समुद्र तल की गहराई को दर्शाया गया है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये माउंट एवरेस्ट है जी। इसकी ऊंचाई को भी दर्शाया गया, मतलब एक इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दर्शाया गया।
और 1 इंच में 6.4 में लंबाई, लगभग 10.5 किलोमीटर लंबाई, 450 माउंटेन की चोटियों को इसमें दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदी। 2 बड़ी नदी में एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई पहली, दूसरी गंगा नदी, और 800 छोटी नदियों को बनाया गया। और इस मूर्ति को बनाने में 30 लोग लगे थे, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग। इसके जो इंजीनियर थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी, काशी के ही रहने वाले थे, उन्हीं की देखरेख में ये बना है। और ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र का निर्माण हुआ है। और ये जो बना है 1917 के भूमापन विभाग के मानचित्र के आधार पे बना है, इसलिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश जो अपना अखंड भारत था हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो है 1918 में शुरू हुआ था और 1924 में बनकर तैयार हो गया था। और 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। और जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई हुई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर भगवान दास जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग आए हुए थे। और ये अपने आप में सबसे अनोखा मंदिर है, क्योंकि अपने यहाँ के लोग तो इस मंदिर को देखने के लिए ही आते ही हैं, लेकिन फॉरेनर, विदेशी पर्यटक कहीं बनारस में आते हैं तो इस मंदिर को ज़रूर देखने आते हैं और देखकर आश्चर्यचकित भी होते हैं कि मतलब आज से 100 साल पहले इस मानचित्र को कैसे बनाया गया होगा। सबसे बड़ी बात है आज तो हमारे पास सैटेलाइट, गूगल, हर चीज़ व्यवस्थाएँ उपलब्ध है, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तब किसी तरह के इसको बनाया गया, मतलब आज से 100 साल पहले कहा जा सकता है कि 3D मैप में तैयार करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो 30 लोग लगे थे इस मूर्ति को बनाने के लिए, वो भी एक जगह इकट्ठा होकर नहीं बना पाते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन था, देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, और चोरी छुपे अलग अलग स्थानों पर इसकी कटिंग होती थी, उसके बाद यहाँ पे लाके इसको जोड़ा गया। तो इसमें जो सभी स्थान, नदी, पर्वत, शहर, जो भी 1917 के मानचित्र थे उसमें सबको दर्शाया गया है। अब आइए हम लोग उधर से चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है बाबा श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने जो 30 लोग इस मूर्ति को बनाने में लगे थे उनका ये नाम हो गया, और ये 25 लोग इस बिल्डिंग को बनाने में लगे थे उन सभी लोगों का नाम दिया है। ये बाबू दुर्गा प्रसाद जी इसके इंजीनियर थे मैप के, और ये लल्लू जी इस बिल्डिंग के निरीक्षक थे, लेकिन बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने अपना कहीं नाम नहीं दिया है। यहाँ पे जो है हम इस मंदिर के बारे में संक्षिप्त विवरण दर्शाया गया है, पूरा लिखा गया है, उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे बनाया गया होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसको ये देखिए यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, ये मकराना मार्बल है, 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा, इसी के आकार का इसमें 762 पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं हुआ करता था, सब कुछ हाथ से ही करना था, तो मतलब कैसे कितनी बारीकी के साथ इस चीज़ को दर्शाया गया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब ये देखिए ये जैसे पूरा जो है तिब्बत का पठार हो गया, यहाँ पे जैसे लिखा भी है आप देख सकते हैं ती ब त, उसी तरह यहाँ पे भी लिखा है ती ब त, तो तिब्बत का पूरा पठार हो गया। यहाँ पे जो है मंगोल देश, मंगोलिया हो गया, ये तुर्किस्तान हो गया, भारत से सटा हुआ हिस्सा। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी महाहिमालय की श्रृंखला, हिमालय पर्वत हो गया, ये हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बगल में है मक्कालू, गौरी शंकर, कंचनजंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पर्वत और ये कैलाश पर्वत है। यहाँ से जो है सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति हुई है, जो कि तिब्बत से होते हुए नामचा बारवा माउंटेन होते हुए, पहाड़ी से होते हुए, आसाम होते हुए, गुवाहाटी होते हुए, ये बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये जो है नंदा देवी हो गई, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीपद, बंदरपुष्क, करकुटी माउंटेन, यहाँ पे जो है जम्मू हो गया, और ये कश्मीर घाटी है।
या नंगा पर्वत हो गया पाकिस्तान में, ये काराकोरम रेंज हो गया, सेकंड माउंटेन K2, सियाचिन, अक्साई चीन, लेह लद्दाख, गिलगिट, उज्जा माउंटेन, हिंदू कुश, इधर जो है बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, और ये जो है पंजाब है। पंजाब जो है पांच नदियों का संगम है, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चनाब। और ये जो है अमृतसर हो गया, लाहौर, और कैलाश मानसरोवर से ही जो है सिंधु नदी की भी उत्पत्ति हुई है, जो कि तिब्बत से होते हुए, लेह लद्दाख होते हुए, नंगा पर्वत, गिलगिट होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पे जो है कराची हो गया, ये जो है यमुना नदी, यमुना नदी जो है बंदर कुछ पर्वत से निकली हुई हैं, दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, आगरा, और ये जो है गंगा यमुना का संगम प्रयागराज हो गया। और ये जो है गंगोत्री है, यहाँ से जो है सबसे पहले भागीरथ नदी की उत्पत्ति हुई है। तो जब नीचे हम लोग देवप्रयाग के पास पहुँचेंगे तो वहाँ अलकनंदा और भागीरथ दो नदियों का संगम होगा, वहाँ से गंगा में प्रवाहित होंगे, जो कि ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए, कानपुर होते हुए गंगा यमुना का संगम हो गया प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बनारस, बनारस से सैदपुर, गाजीपुर, बलिया होते हुए बिहार में पटना, भागलपुर से होते हुए हम लोग आ गए कोलकाता, और कोलकाता में जो है हुगली नदी में परिवर्तित होके वहाँ से बंगाल की खाड़ी में, और ये सुंदरवन हो गया डेल्टा। और यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ पर पद्मा नदी के नाम पर जाती है, जानी जाती है। ये जो है राजस्थान हो गया, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और ये अरावली की पहाड़ी हो गया, और ये जो है विंध्य पर्वत हो गया, विंध्य रेंज। आइए अब आपको इधर दिखाते हैं हम लोग, मतलब कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की बड़ी दीवार को भी दर्शाया गया, जो भारत से सटा हुआ हिस्सा है। ये देखिए जो टाके के आकार में यहाँ पे दर्शाया गया, ये जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की बड़ी दीवार, यहाँ पे लिखा भी है चीन की बड़ी भेद। ये जो है बर्मा हो गया, म्यांमार, इधर जो है मलय प्रांत हो गया, मलेशिया का हिस्सा, और ये श्याम द्वीप है, थाईलैंड हो गया, इधर अंडमान, निकोबार, सुमात्रा, और ये श्रीलंका हो गया, इधर अरब का समुद्र, नीचे हिंद महासागर, ऊपर इधर लक्षद्वीप, मालदीप, ऊपर बंगाल की खाड़ी। ये अपने आप में सबसे अनोखा मंदिर है, और इस मंदिर को बनवाने का मेन उद्देश्य बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी का था, क्योंकि देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजी शासन था, और उस समय हमारे यहाँ के अर्थक जाति धर्म का बहुत बड़ा भेद हुआ करता था। और बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी का ये विचार था कि जब तक सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को एक मंच पर एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता है। कहीं यहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति होती, ये होता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई या इस जाति, इस धर्म के हैं, तो उसको यहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे किसी देवी, किसी देवता की मूर्ति की स्थापना ना करा के अपने अखंड भारत माता के मानचित्र का निर्माण कराया, क्योंकि हम लोगों के हिंदू शास्त्र में भी चार माताओं का वर्णन है। एक तो जो हमको जन्म देती है, गंगा माता, गौ माता, और ये मातृभूमि, ये हमारी मातृभूमि है। और बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी है जो है देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने 1916 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू की स्थापना के समय भी 1,00,000 का पहला दान दिया था। और उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि अभी है, पहले काशी विद्यापीठ हुआ करता था, उसकी स्थापना कराया। और उस समय चूँकि जो क्रांतिकारी लोग होते थे विश्वविद्यालय में, वहाँ पे उनका एडमिशन नहीं होता था बेचू में, इसलिए उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना कराया कि हर कोई शिक्षित ना रह सके, और जो भी क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करें। तो उन्होंने काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की स्थापना कराया। तो उस समय जितने भी क्रांतिकारी लोग थे यहाँ से, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित शास्त्री जी, ये सभी लोग यहाँ से ही शिक्षा ग्रहण किए। और आप बगल में देख सकते हैं ललित कला विभाग है, उसकी भी स्थापना बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने कराया, मतलब उसी समय हुआ था। और जब चूँकि देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजी शासन हुआ करता था, और अंग्रेज़ों के विरोध में कि कैसे अगला मीटिंग करना है, कहाँ पर क्या करना है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इसी बगल वाली बिल्डिंग ललित कला विभाग में अंडरग्राउंड में वहाँ पर ना बैठकर किया करते थे, और आगे की रणनीति के लिए विचार किया करते थे। बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने 1918 में भारत माता मंदिर की स्थापना, 1920 में आज अखबार की स्थापना, जो कि आज अखबार उस समय जो छपता था, जितने भी क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे उनके यहाँ निःशुल्क जाता था, और
जो है कि सबके यहाँ शिक्षित शिक्षा मिल सके, अंग्रेजों के विरोध में होता था और 1921 में जो है काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की स्थापना करा है और अभी भी इस मंदिर के देखरेख बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के ही परिवार से होता है। अब आइए, जैसा कि हम लोग इधर से देख सकते हैं, अभी तो हमने तिब्बत के पठार की तरफ से भारत माता को देखा था, अब जब हम सामने से देखते हैं श्रीलंका की तरफ से यानी भारत माता के चरणों की तरफ से जब देखते हैं तो जो अपना अखंड भारत था, हम देख सकते हैं कितना बड़ा कितना विशाल हमारा भारत हुआ करता था अपना अखंड भारत, जिसमें हम देख सकते हैं इधर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा, ऊपर में तिब्बत हो गया, इधर मंगोलिया हो गया, इधर बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका, मतलब जो हमारा अखंड भारत था हम कह सकते हैं इतना विशाल होता था पहले। और अब आप देख सकते हैं जैसे ये हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके नीचे नेपाल हो गया, यहाँ पे पोखरा काठमांडू हो गया, भूटान हो गया, ये जो है धर्मशाला हो गया, ये अपना अखंड भारत था। और इसी तरह इन सभी दीवारों पे भी कुछ ना कुछ मानचित्र बने थे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे से शुरुआत करते हैं। तो भैया ये सारे मानचित्र तो मिटे हुए हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं भू मध्य रेखाओं को दर्शाया गया है कि मतलब मानसून कैसे बनता था। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैसाख से लेकर कुवार तक और 12 महीने की ऋतुओं को दर्शाया गया कि मानसून कैसे बनता था, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दर्शाया गया है। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है ग्रहों की सूर्य से अनुपातिक दूरी को पूरा दर्शाया गया है। यहाँ पे जैसे लिखा है ग्रहों की सूर्य से अनुपातिक दूरी, ये सूर्य ग्रह को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यह धूमकेतु विक्रम संवत 1969 में पृथ्वी के बहुत निकट आ गया था और आकाश में स्पष्ट दिखाई दिया था, 76 वर्ष बाद विक्रम संवत 2045 में फिर उदय होगा और इस समय 2081 चल रहा है, यानी आज से 36 वर्ष पहले ये उदय हो चुका था। तो मतलब पहले की जो गणना होती थी भौगोलिक वो कितना सटीक होता है उसके बारे में अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो है वैदिक समय से लेकर महाभारत तक के समय के मानचित्र को यहाँ पे दर्शाया गया था उसके बारे में। उसी तरह हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं विक्रम संवत 268 वर्ष पूर्व से 183 वर्ष पूर्व मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त, महाराजा बिंदुसार और महाराजा अशोक की राज्य सीमा को दर्शाया गया था और उनके समय में कौन कौन से राजा हुआ करते थे यहाँ पे लिखा हुआ था। उसी तरह जब फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुषाण वंशी राजाओं के बारे में आ गए हैं यहाँ पे। तो एकदम पूरी तरह मिट चुका है, लेकिन फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो राजा हर्षवर्धन महाराजा धीराज श्री राज्य हर्षवर्धन राज्य की राज्य सीमा को दर्शाता है जो कि विक्रम संवत 663 से 707 ईस्वी तक उन्होंने भारत के राज्य किया था और उनके समय में भी कौन कौन से राजा हुआ करते थे उनका नाम यहाँ पे हुआ करता था। उसी तरह फिर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं तो विक्रम संवत 850 से लेकर 1440 ईस्वी तक अफगानिस्तान के सुल्तानों ने समय समय पर भारत पर राज्य किया था उनके बारे में हो गया। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो विक्रम संवत 1552 से लेकर 1764 ईस्वी तक मुगल बादशाहों ने समय समय पर भारत पर राज्य किया और उनकी राज्य सीमा को दर्शाया गया था यहाँ पे। और लास्ट में जो है हम लोग आते हैं तो छत्रपति महाराजा शिवाजी और राजा रणजीत सिंह के बारे में राज्य सीमा को उसके विस्तार को दर्शाया गया था। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पराधीन भारत आ गया जो कि विदेशियों द्वारा हम लोगों के ऊपर अधिकार राज्य किया गया था पराधीन गुलामी को, तो उसके बारे में दर्शाया गया। तो इस तरह सभी दीवारों पर कुछ ना कुछ दर्शाया गया था। इसी तरह ऊपर की दीवारों पर भी हम देखते हैं तो जैसे आज हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं तो कैसे देवनागरी लिपि 4000 वर्ष पूर्व से लेके समय समय पे उसमें बदलाव हुआ है, उसी देवनागरी लिपि को अन्य राज्य की भाषाओं में कैसे लिखा जाता था, पश्चिमी देशों की लिपियाँ और विदेशी लिपियों के बारे में ये सब पूरा दर्शाया गया था। चूँकि ऊपर पहले खुलता भी था तो लोग बहुत से लोग उस पर जाके नाम फाम लिख के ख़राब कर देते थे, इसी कारण ऊपर बंद हो गया। और जैसा कि सभी मंदिरों का कभी ना कभी श्रृंगार होता है, इसी तरह भारत माता मंदिर का भी श्रृंगार होता है कहा जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे मंदिर को पूरी तरह से सजाया जाता है, यहाँ पे फूलों से सजा दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है समुद्र वाले भाग को और उस दिन जो है यहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है और उसके बाद दिन भर पूरे दिन संस्थाओं द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा और आम जनता द्वारा भारत माता का आके नमन करते हैं लोग, पूरे दिन इसी तरह चलता रहता है। और यहाँ पे कोई और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं?
नहीं, वैसे तो एक कार्यक्रम होता है जैसे नौ वर्ष के उपलक्ष्य में होता है, हिंदी हम लोग के नौ वर्ष के ग्रह संवत वाला नौ वर्ष अप्रैल के महीने में जो पड़ता है उस पर होता है। और उसके बाद महेंद्र प्रसन्ना जी हैं जो प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को शहनाई वादन के लिए यहाँ पे आके शहनाई बजाते हैं, भारत माता को समर्पित करते हैं। आज जैसे रक्षाबंधन के पूर्व एक दिन पूर्व लोगों द्वारा भारत माता को आके रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। तो इस तरह समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है यहाँ। आइए अब हम लोग आपसे, जैसे हमने यहाँ से तो देख लिया, अब हम लोग समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को भी देख सकते हैं। आइए, अभी जैसा कि हम लोगों ने बाहर से ऊपर से देखा है कि माउंट एवरेस्ट पहाड़ियों को, पर्वतों को, नदियों को, सबको देखा, अब हम लोग समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को देख सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, ये जो है समुद्र तल का लेवल हो गया। अब इस लेवल से जब हम देखेंगे तो सामने पूरी हिमालय पर्वत हमको दिखाई देगा। इसमें हम देखेंगे सबसे ऊँची चोटी ये माउंट एवरेस्ट हो गया, सेकेंड माउंटेन यहाँ पे K2 हो गया, और थर्ड और भारत की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। तो हम लोग समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख सकते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि हमने यहाँ से तो देख लिया, अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पीछे एक छोटी सी सीढ़ी बनी हुई है। अब इस सीढ़ी को भी मतलब कि उसी समय बनाया गया, इसमें कोई नया कार्य नहीं हुआ है। तो इस छोटी सी सीढ़ी को जैसे हमने तो वहाँ से देख लिया, अब जिनकी हाइट नहीं है तो कैसे देखेंगे। तो हम अब यहाँ से ऐसे खड़े होकर जब देखेंगे तो जो है कि जो माउंट एवरेस्ट हमने आपको बताया वो आपको और अच्छा क्लियर होगा देखने में। आप यहाँ से देख सकते हैं जी। और इस मंदिर को मतलब हम लोग तो देखते ही हैं, लेकिन विदेशी फॉरनर टूरिस्ट जब इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। जैसे कि चाहे अमेरिका हो, जापान, कोई भी देश हो, उनके देश के भी मानचित्र लोग कागज पे देखते हैं। लेकिन हम लोग का सौभाग्य कि आज से 100 साल पहले जो अपना अखंड भारत इतना बड़ा हुआ करता था, हम लोग इसको जो है कि 3D मैप में देखते हैं तो देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे इसको बनाया गया होगा। तो हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि आज से 100 साल पहले जो अपना अखंड भारत था, हम लोग यहाँ पर भारत माता का देख सकते हैं। भाई अब आपको सीढ़ियों पर थोड़ा सा दिखा देते हैं। उसके बाद जैसे सीढ़ियों पर बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने अपने पिताजी और अपने दादाजी का नाम समर्पित किया है, लेकिन अपना कहीं नाम नहीं दिया है। ये देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं विशेश्वर प्रसाद नरोत्तम दास, मतलब बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के पिताजी और दादाजी का नाम है, लेकिन बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने अपना कहीं नाम नहीं दिया। इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना कराया, वहाँ पे भी उसको गांधी काशी विद्यापीठ के नाम पे समर्पित किया। भारत माता मंदिर की स्थापना कराया, यहाँ पे भी कहीं नाम नहीं। तो ये अपने आप में सबसे अनोखा मंदिर है जो भारत माता का ये है। और बाहर जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऊपर में देखेंगे तो गायत्री मंत्र को भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसा कि भैया ने आज हमें भारत माता मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में इतने बारीकी और इतनी खूबसूरती से समझाया है कि ये मंदिर का इतिहास क्या रहा, इसका उद्घाटन किसने किया, इन मंदिरों की दीवारों पे जो मानचित्र बने हैं उनके बारे में, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भारत माता का दर्शन करने के लिए, और हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि भारत माता का अखंड भारत का मानचित्र और पूरे भारत में इकलौता मंदिर है भारत माता। और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो अपना अखंड भारत आज से 100 साल पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं। भैया धन्यवाद।